फ्लोड्रोकॉटिसोन फ्लोड्रोकॉर्टिसोन इज अ मिनराइलोकॉर्टिकॉयड अब जितने भी स्टीरोयड्स होते हैं वो हमारे पास ग्लूकोकॉटिकॉयड्स भी हो सकते हैं मिनरालोकॉर्टिकॉइड्स भी हो सकते हैं और ग्लूको मिनरालोकॉटिकॉयड्स भी हो सकते हैं इसमें से जो फ्लोड्रोस्टीरोन है दिस इज अ मिनराइलोकॉटिकॉयड और मिनरल्स का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट और जहाँ इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको वाटर फॉलो करेगा सो इट इज़ यूजफुल इन रेगुलेटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अब ये काम किस तरह करता है ये डिजिटल रीनल्टीब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से सोडियम की एबजॉर्ब कराता है इसीलिए हम इसे कहते हैं दिस इज अ तो अगर हम हाइड्रोकॉर्टिसोड या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो सबसे पहले हाइपोथालमस होगा वहां से कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाएगा और एंटीरियर पिटूटी में से एसिटीएच रिलीज होगा अभी जो एसी है ये फीडबैक नेगेटिव लूप के थ्रू हाइपोथेलमस को इनहिबिट भी कर सकता है या फिर ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाए और एड्रीनल कॉर्टेक्स में से स्टीरॉयड्स की रिलीज को प्रोमोट कराए स्टीरॉइड्स में आ सकता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी और मिनरेलो कोर्टिकॉयड भी अभी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इसके कुछ पेरिफेरल इफेक्ट्स है मेटाबॉलिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटोरी इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और फीडबैक नेगेटिव लूप के थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करेगा और साथ साथ हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करेगा उसके अलावा अलावा मिनरेलो कोटिकॉयड भी हो सकते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉयड जो है वो सॉल्ट और वाटर रिटेंशन से रिलेटेड है और इसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी रिलीज करवा सकता है ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉर्ड या जिसे हम कहें फ्लूड्रोकॉर्टिसोन रिलीज हो गया ये काम किस तरह करता है ये सबसे पहले डिस्टल रीनल टिब्यूल्स के पास जाता है डिस्टल रीनल टिब्यूल्स में वहां पर टिब्यूलर सेल्स होंगे ये क्या करेगा इंट्रासेलर रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड कर देगा अब इंट्रासेलर रिसेप्टर्स में क्या होगा वहां पर न्यूक्लियस पड़ा होगा न्यूक्लियस में डिफरेंट जो होंगे वो जीन्स होंगे उन जीन्स की क्या करेगा ट्रांसक्रिप्शन और उस ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगी ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के रिजल्ट में जो होगा वो प्रोटीन बनेगी अब ये प्रोटीन क्या हो सकती है ये सोडियम चैनल्स हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने सोडियम चैनल्स का नंबर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा सोडियम चैनल ज़्यादा ज़्यादा हो जाएंगे जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो सोडियम एब्जॉर्ब होगा सो इट इज अ क्या करना है है मिनरल को करवाना मेनली सोडियम इसके साथ और क्या होगा जो दूसरी बेजल साइड होती है यहां पर क्या होता है सोडियम पोटाशियम पंप होता है ये क्या करता है ये एब्जॉर्ब सोडियम को अंदर की तरफ फेंकता है और इन रिटर्न पोटाशियम को जो है वो सेल में ले आता है सो सोडियम चैनल के साथ साथ ये सोडियम पोटाशियम पंप का भी नंबर जो है वो इंक्रीज कराता है तो इसके अल्टीमेट इफेक्ट्स में होगा के सोडियम की री जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी उसके साथ साथ पोटाशियम की जो एक्सक्रीशन है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन्स की जो एक्सक्रीशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी सो सोडियम एब्जॉर्ब होगा पोटाशियम और हाइड्रोजन जो है वो एक्सक्रीट होंगे इज गिवन ओरली क्लिनिकल यूज़ क्या इट इज़ यूज इन एड्रीनल इनसफिशेंसी और ग्लूकोकोटिकॉइड के साथ मिलाकर यूज़ करेंगे टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स बड़े थोड़े से हैं हाइपोकलीमिया हो जाएगा क्योंकि ये पोटाशियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर रहा है और हाइपोकलीमिया का इफेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा जब हम इसको कंबाइन करेंगे थायासाइड डायरेटिक्स और लूप डायरेटिक्स के साथ